हेलो एवरीवन पहले के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर टू के एन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एक से पाँच तक के आंसर किए उम्मीद है उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और वो उसमें भी वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको अच्छे से लर्न कीजिए और फिगर में और डायग्राम जो है उसको प्रॉपर वे में आप लोग ड्रॉ कीजिए और प्रॉपर वे में उसको लेबल भी करना जरूरी है ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी आए आज हम लोग इस लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर ऑफ द फीमेलोफाइट हम लोग कंटिन्यूस जो, जो हम लोगों का स्टडीज चल रहा था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में भी है ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए तो इसमें आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर आप लोग को फोकस करेंगे और फिगर को इसी ढंग से आप लोग ड्रॉ भी करेंगे ठीक है आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक इज एन ओवल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इसका जो शेप होता है वो ओवल होता है इट इज कवर्ड बाय अ थिन derived from the parent megaspore wall the typical or polygonal type of embryo sac contains eight nuclei but seven cell that is there is three micropylar three chalagel एंड वन सेंट्रल ये सेवन सेल के बारे में बताया गया है यहाँ पर देखिए ये चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है तो यहाँ पर वन टू थ्री ये तीन सेल्स जो हैं इसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं यहाँ पर वन टू थ्री ये तीन सेल्स जो हैं, उसको एग ऐपरेटस कहते हैं और एग एपरेटस में जो कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है इसमें दो जो होते हैं वो सिनर्जिट्स होते हैं और एक जो होता है वो ऊ स्फेयर और इसको एग सेल भी कहते हैं और यहाँ बीच में एक सेंट्रल सेल होता है ठीक है तो ये एक होता है तो थ्री सेल्स आपका माइक्रोपाइलर एंड में थ्री सेल्स चैलेजल एंड में और एक सेल जो होता है वो सेंटर में होता है ये मिला के ये सेवन सेल्ड होते हैं ठीक है इट बियर्स हियर थ्री माइक्रोपाइलर सेल्स आर कलेक्टिवलीज एक बता चुकी हूँ से ये एक सेल जो होता है बड़ा होता है वो एग सेल होता है उसको उसे कहते हैं इट बियर्स अट्रल और माइक्रोपाइलर वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस टूवर्ड्स द चेलेजरलैंड द रिमेनिंग टू सेल्स आर कॉल्ड सीनरजिट्स और हेल्प सेल्स ये सिनर्जिट्स जो होते हैं वो हेल्पिंग सेल होते हैं ये पैसेज बताते हैं रास्ता बताते हैं गैमिट्स को एक सेल के पास पहुँचने के लिए ईच ऑफ दे एम बियर्स अ फिलीफॉर्म एपेरेटस इन द माइक्रोपाइलर रीजन अ लैटरल हुक चैलेजल वैक्यूल एंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस द एग और उपय ऊ एस्फेर रिप्रेजेंट द सिंगल फीमेल गैमिट ऑफ द सैक जो ऊ स्फेयर होता है वो एक सिंगल गैमिट होता है फीमेल गैमिट होता है वो एम्ब्रियो सैक का द सिनर्जिट्स हेल्प इन ऑप्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम द आउटर न्यूक्अर्स न्यूसीलर सेल्स गाइड द पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब बाय देयर सिक्रीशन एंड फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर्स ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इन टू द सैक अभी मैं बता चुकी कि ये हेल्प सिनरजिट्स जो होते हैं वो हेल्पिंग सेल होते हैं और ये पॉलिन uh, ट्यूब uh, को हेल्प करते हैं path, रास्ता बताने में कि गैमेट जो रिलीज करना है वो, वो इस फेयर के पास पहुंचना है और नरिशमेंट भी ये देते हैं द थ्री चैलेंजल सेल्स ऑफ द सैक आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोसेक विच में डिजेनरेट सून और टेक पार्ट इन एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूसेलर सेल्स एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं धीरे धीरे हट खत्म हो जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है द सेंट्रल सेल इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो है कि आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आ, एक लार्जेस्ट सेल का नाम बताइए जो कि एम्ब्रियोस एक्ट में होता है तो वो सेंट्रल सेल होता है इट हैज अ हाईली वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म विच इज रिच इन डिजर्व फूड एंड गॉल्जी बॉडीज in the middle the cell contains two polar nuclei which often fuse to form a single diploid secondary nucleus thus all the cells of the embryo sac are haploid except the central cell which becomes diploid due to fusion of polar nuclei तो इस तरह से जो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पर थ्री सेल हैं यहाँ पर थ्री एंटीपोडल सेल हैं यहाँ पर एक सेल है ये सेवन सेल हुआ ठीक है जो यहाँ पर दिया हुआ है कि सेवन सेल नेचर ऑफ द फीमेल गैमिटोफाइट एंड एट न्यूक्लियट कैसे होगा तो वन टू तो, थ्री तीन न्यूक्लियस तीन सेल के इधर तीन न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल के तीन और एक सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं तो ये मिलाकर के आठ न्यूक्लियस हो जाता है तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो फीमेल गैमिटोफाइट जो होता है वो उसका जो उसका नेचर जो होता है वो सेवन सेल एट न्यूक्लियट नेचर होता है क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट आर Casmogamous flower. Can cross pollination occur in clistogamous flowers? Give reasons for your answer. कैसमोग फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच आर ओपन विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। कैसमोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जिसके पेटल्स जो होते हैं वो खिले हुए होते हैं और जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज होते हैं दिखते हैं बाहर की ओर होते हैं Listogamous flowers are those flowers which do not open at all in these flowers the anthers and stigma lie close to each other when anthers dehises in the flower buds the pollen grains come in the contact with stigma to effect pollination so these flowers are invariably self pollinated as the flowers remain closed, and there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Pollination and seed setting are assured even in the एबसेंस ऑफ पॉलिनेटर्स यहाँ पर जो क्लिस्टोकैमस फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज फ्लावर होते हैं बंद होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं और उसमें एंथर और स्टिग्मा नज़दीक होते हैं एक दूसरे के और जब एंथर मेच्योर हो जाता है और उसमें से पोलिन निकलता है तो पॉलिनग्रेन जो हैं वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं और पॉलीनेशन होता है तो एक चीज़ यहाँ पर यह है कि कैसमोग फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है दोनों दो तरह के पॉलिनेशन हो सकते हैं हैं सेल्फ और क्रॉस भी लेकिन क्लिस्टो फ्लावर्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नेचुरली नहीं हो सकता है क्वेश्चन नंबर एट मेंशन टू स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स आंसर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग ब्रीडिंग डिप्रेशन So flowering plants have developed following devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination तो क्यों बचना चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो कंटिन्यू होगा तो उसमें जो है ये धीरे धीरे इनका पॉलिनेशन ये इस तरह का पॉलीनेशन जो है उनके क्वालिटीज़ धीरे धीरे घटने लगते हैं और इसीलिए ज़्यादा फेवर किया जाता है क्रॉस पॉलीनेशन को इसके जो हैं इसमें डाइकिन यूनिसेक्सुअलिटी इसको फेवर करता है क्रॉस पॉलीनेशन को कि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल द प्लांट्स मे बी मोनोसियस बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एग्जाम्पल मेज और डायसीयस बियरिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट्स For example, mulberry, papaya, etc. Dichogamy, anthers and stigmas mature at different times in a bisexual flower so as to prevent self pollination. And uh, uh, protandry, anthers mature earlier than stigma of the same flower. Their pollen grains become available to stigmas of the older flowers, for example, sunflower, salvia. Next is प्रोटोगाइनी स्टिक्मास मेच्योर अर्लियर सो दैट दे गेट पॉलिनेटेड बिफोर द एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर डेवलप पॉलिन ग्रीन्स मेरा विस् जैलपा जिसको फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं ग्लोरियोसा एंड प्लेटिगो इसमें क्या होता है कि एक तो हो जाता है कि यूनिसेक्सुअलिटी होता है फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे डैकोगैमी इसमें इसमें एंथर्स और स्टिग्मा जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पर मेच्योर होते हैं जबकि वो बाइसेक्सल फ्लावर होता है उसके बावजूद भी तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है और उसी को डिवाइड किया गया है डाइकोगैमी को ही कि प्रोटो प्रोटेंड्री जिसमें कि एंथर पहले मेच्योर होते हैं और प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा पहले मेच्योर होते हैं तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी Why does self pollination not lead to seed formation in self incompatible species? Answer is If a pistil carrying functional female gametes fails to set seeds following pollination with viable and fertile pollen. कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन इन अनदर पिस्टिल एक पिस्टिल जो है जो उसमें फीमेल गैमिट एग जो होता है वो फंक्शनल होता है लेकिन उसमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है तो जो पॉलिनेशन जो होता है वो पॉलिन भी जो तो उसको किसी दूसरे अनदर पिस्टिल में उसको फर्टिलाइजेशन के लिए ले जाया जाता है द टू आर सेड टू बी इनकम्पेटिबल

जो सेक्सुअल uh, इनकम्पैटिबिलिटी होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है और जो अलग अलग डिफरेंट uh, स्पेसिस के इंडिविजुअल्स में जो होता है उसको इंटर स्पेसिफिक कहा जाता है द लेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पिटी इज अ जीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस

having no common S. alleles with pistil would be functional or the pistil of a, that plant as self pollens are unable to fertilize the egg to form embryo hence seeds are not formed in self incompatible species इसमें कहने का ये मतलब है कि जब फंक्शनल फीमेल गैमिट हैं उसके बाद तो फर्टाइल पॉलिन भी हैं लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहलाता है क्वेश्चन नंबर टेन वॉट इज बैगिंग टेक्निक हाउ इज इट यूजफुल इन ए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम Answer is if the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the floral bud before the anther dehiscence using a pair of forceps is necessary. तो ये प्रोसेस जो होता है उसमें जो प्लांट होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें निक, निकलते हैं बियर करते हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को रिमूव किया जाता है और कब जबकि उसको एंथर के रैप्चर होने के पहले किसके द्वारा एक फोर्सेप के हेल्प के हेल्प से ठीक है तो उससे उसको रिमूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को इमेस्कुलेसन भी कहते हैं तो दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमेस्कुलेशन और हम लोग इसको कह सकते हैं डायरेक्टली कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड द इमेस्कुलेशन इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जेनरली मेड अप ऑफ अ बटर पेपर to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बैगिंग बैगिंग में क्या होता है कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स जो होते हैं जिससे कि एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और तो उसको एक बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि उसके स्टिग्मा पर कोई दूसरा पॉलिन आकर के उस उसको कंटेमिनेट ना करे, उसमें गंदगी ना करे और एक्स्ट्रा कोई पॉलिन उसमें जमा ना हो तो इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं बैगिंग में जो बैग जिससे उसको कवर किया जाता है वो उसको बटर पेपर से उसको कवर किया जाता है वेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लार अटेंस रिसेप्टि रिसेप्टिविटी मेच्योर पॉलिन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा जब स्टिग्मा जो है जिसको कि कवर किया गया है अब वो मैच्योर हो जाता है और रिसीव कर सकता है पॉलिन को तो मैच्योर पॉलिन ग्रेन को जो एंथर से कलेक्ट किया गया है उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है डस्टेड कर दिया जाता है एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड और फिर उस फ्लावर को फिर से रीबैग्ड किया जाता है फिर से उसको बटर पेपर से कवर किया जाता है एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप तब क्या होगा फ्रूट्स कैसे डेवलप होगा उसमें क्या होगा कि जब स्टिग्मा में पॉलन जाएंगे तो वो उसमें पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा फिर उसमें से मेल गैमिट जो है वो एम्ब्रियो सैक में जाएंगे तो वहाँ पे एक के साथ उसका फर्टिलाइजेशन होगा तब वो फ्रूट उसमें डेवलप होगा और उसके साथ साथ सीड भी बनेंगे तो दिस प्रोसेस अलाउस प्लांट ब्रीडर्स टू तो यूज डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ पॉलिन टू ऑप्टेन डिज़ायर्ड सीड्स इस इसमें प्लांट ब्रीडर्स जो हैं वो अच्छे क्वालिटी के पॉलिन को यूज़ करते हैं ताकि उन उस, उससे मनचाहा सीड्स बीज अच्छे क्वालिटी का बीज उनको मिल सके अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स से क्वेश्चन नंबर टेन तक के आंसर को देखें एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि आप लोग इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से जो कि बॉटनी में आप लोगों को आते हैं और फाइनल एग्जाम्स में आप लोग अच्छे से इसको ड्राइंग के साथ और प्रॉपर लेबलिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे और अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस के आंसर को लर्न करेंगे थैंक यू